इलेक्ट्रिसिटी क्लासेस में आज का जो वीडियो लेक्चर होगा उसमें हम अध्ययन करेंगे चैप्टर नंबर 6 के वो आंकी के पर्सन। चैप्टर नंबर 6 का आंकी पर्सन शायद एक तो हमने कर लिया था और एक जो अगला हमारा आंकी पर्सन रहेगा उसको हम करेंगे। तो आंकी पर्सन नंबर है आपका 2, ठीक है, दूसरा आंकी पर्सन नंबर है। तो दूसरा आंकी पर्सन क्या है, देखो चित्र दे रखा है आपको, चित्र में मिंटर क्षेत्र को संतुलित अवस्था में दर्शाया गया है। तो पहले हम डायग्राम बना लेते हैं, मिंटर क्षेत्र है तो इसका मतलब देखो यहाँ पर एक लगा है आपका अज्ञात प्रतिरोध x, यहाँ पर है 3 ओम, यहाँ पर है आपका ये एक तार 1 मीटर लंबा, ये a, ये b, यहाँ पर 1 किलोमीटर लगा रखा है और ये संतुलन की लंबाई हमारे को दे रखी है 40 सेंटीमीटर और ये संतुलन की लंबाई दे रखी है 60 सेंटीमीटर। उसके बाद में इसको जोड़ रखा है एक 6 वोल्ट की बैटरी से, मीटर सेतु को 6 वोल्ट की बैटरी से जोड़ रखा है, यहाँ पर धारा प्रवाहित हो रही है और इस प्रकार से, ठीक है। आगे देखो क्या है, चित्र में मीटर सेतु को संतुलित अवस्था में दर्शाया गया है। मीटर सेतु के तार का प्रतिरोध, मीटर सेतु के तार का प्रतिरोध मतलब इस तार का प्रतिरोध, 1 मीटर लंबे तार का प्रतिरोध 1 ओम प्रति सेंटीमीटर है, 1 ओम प्रति सेंटीमीटर। तार का प्रतिरोध कितना है, तार का प्रतिरोध है 1 ओम प्रति सेंटीमीटर, 1 ओम प्रति सेंटीमीटर। अब ये प्रतिरोध थोड़ी है, नहीं है प्रतिरोध, ये बोला कि तार का प्रतिरोध कितना है 1 ओम प्रति सेंटीमीटर। अभी देखेंगे कैसे निकालेंगे। अज्ञात प्रतिरोध x, ये अज्ञात प्रतिरोध x और इसमें प्रवाहित विद्युत धारा का मान ज्ञात करना है। सेतु संतुलित ये अवस्था में है, हमारे ज्ञात क्या करना है, हमारे ज्ञात करना है तो एक तो ये जो अज्ञात प्रतिरोध x है वो ज्ञात करना है और एक इस अज्ञात प्रतिरोध में से जो धारा प्रवाहित हो रही है वो हमारे को ज्ञात करनी है, ठीक है। तो कैसे करेंगे, देखो ज्ञात करने के लिए पहले हमारे को यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, अगर सेतु संतुलित अवस्था में है, भाई सेतु संतुलित अवस्था में है तो पहले हमारे को यहाँ पर इस अज्ञात प्रतिरोध को ज्ञात करना पड़ेगा। अब सेतु संतुलित अवस्था में होता है, ये व्हीटस्टोन सेतु के सिद्धांत पर आधारित है, तो अगर सेतु संतुलित अवस्था में होगा मतलब इसका अनुपात के बराबर होना चाहिए, भाई ये सेतु संतुलित अवस्था की क्या होनी चाहिए, कंडीशन होनी चाहिए। अब उससे पहले अनुपात किसका बराबर होता है, इसका प्रतिरोध, अब इसका प्रतिरोध है क्या आपके पास में, इतने का प्रतिरोध है क्या आपके पास में, नहीं देखा प्रतिरोध थोड़ी देर का, आपको तार का प्रतिरोध देगा 1 ओम प्रति सेंटीमीटर। अगर वो बोल देता कि आपका तार का प्रतिरोध 1 ओम है, ठीक है, तब तो कोई अलग बात होती, लेकिन उसने बोल दिया कि 1 ओम प्रति सेंटीमीटर है। इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं क्या, मैं इसको लिख सकता हूं कि भाई 1 सेंटीमीटर तार का प्रतिरोध 1 ओम है। इस ऊपर वाला लाइन को मैं ऐसा लिख सकता हूं, तार का प्रतिरोध कितना है 1 ओम प्रति सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर का कुछ नहीं मिले, 1 लगा सकते हैं, तो 1 सेंटीमीटर को इस साइड भेज दो तो 1 सेंटीमीटर तार का प्रतिरोध कितना हुआ 1 ओम। मतलब ये पूरा 100 सेंटीमीटर तार है, इस 100 सेंटीमीटर तार में 1 सेंटीमीटर का वो कितना प्रतिरोध है 1 ओम है, 1 सेंटीमीटर का कितना प्रतिरोध है 1 ओम है। तो बताओ टोटल पूरे तार का कितना होगा, तार 100 सेंटीमीटर का है, तार कितने का है 100 सेंटीमीटर का, 1 सेंटीमीटर का प्रतिरोध 1 ओम, वापस समझो तार है 100 मीटर का और 1 सेंटीमीटर का प्रतिरोध है 1 ओम, ठीक है 100 सेंटीमीटर, तो मतलब 100 × 1 कर दो कितना आ गया 100 ओम आ गया, मतलब इस पूरे तार का प्रतिरोध कितना है 100 ओम। कैसे निकाला, हमने 100 को गुणा कर दिया किससे 1 से, ठीक है। अब 1 सेंटीमीटर तार का प्रतिरोध 1 ओम है, हमारे को कितना का चाहिए 40 सेंटीमीटर का चाहिए, 60 सेंटीमीटर का चाहिए, तो 40 सेंटीमीटर का कितना होगा, इसको पूरे से किससे गुणा कर दो 40 से गुणा कर दो, तो 40 सेंटीमीटर तार का कितना होगा, 40 सेंटीमीटर तार का प्रतिरोध हो जाएगा 40 × 1 ओम, मतलब कितना आ गया 40 ओम। कोई डाउट, इसी प्रकार से हम इसके लिए कर सकते हैं कि 60 सेंटीमीटर का कितना होगा, तो 60 सेंटीमीटर से इसको गुणा कर दो इस वाली को, तो 60 से गुणा करोगे 60 सेंटीमीटर बराबर क्या हो जाएगा, 60 सेंटीमीटर बराबर 60 × 1 ओम बराबर हो जाएगा 60 ओम। तो ये लोग हमारे आगे प्रतिरोध आगे, इसका प्रतिरोध है आपका 40 ओम और इसका प्रतिरोध है 60 ओम। रटना नहीं है आपको, ये 40 सेंटीमीटर दिख रहा है मतलब 40 आ गया, 60 सेंटीमीटर दिख रहा है इसका मतलब 60 आ गया। मान लो आपने उसने 1 सेंटीमीटर तार का प्रतिरोध 2 ओम दे दिया, तो फिर क्या करोगे, अगर 2 ओम दे देगा तो फिर आपको यहां पर क्या करना पड़ेगा, ये गुणा करना पड़ेगा ना 2 से। तो इसे रटना नहीं है आपको, समझना है कि आया कैसे ये, ठीक है। और मैंने आपको अच्छे से बता दिया भाई, क्वेश्चन के अंदर तो आपको इतना ही दे रखा था, लेकिन मैंने आपको ऐसे करके बता दिया, तो आप आसानी से कर सकते हो। अब बात करते हैं आगे, आगे हमारे को याद क्या करना है, सेतु संतुलित अवस्था करनी है, तो सेतु संतुलित अवस्था में यहां पर लिखेंगे सेतु संतुलित अवस्था में, संतुलित अवस्था में
तो सेतु संतुलित अवस्था में क्या होगा, देखो सेतु संतुलित अवस्था में इसका अनुपात, इसके अनुपात के बराबर होना चाहिए, तो अनुपात बराबर तो x बटा 40 बराबर 3 बटा 60, x बटा 40 बराबर 3 बटा 60, तो कितना आ जाएगा x बराबर 3 इंटू 40 बटा 60 आ गया आपके पास में, तो ये कितना हो जाएगा आपका x बराबर x बराबर कितना आ जाएगा आपका 3 इंटू ये आपका हो जाएगा 40 बटा ये कितनी बार कैंसिल हो गया आपका 20 बार हो गया, कितनी बार हो गया 20, तो x बराबर आ गया आपका 20 कितना 2, तो x बराबर आ गया आपका 2 कितना ओम आ गया, x बराबर आ गया आपके पास में 2 ओम, तो x का मान तो आपके पास में आ गया। अब हमारे को ज्ञात क्या करनी है, हमारे को ज्ञात करनी है इसके अंदर कितनी धारा प्रवाहित हुई, इसके अंदर इस ज्ञात प्रतिरोध के अंदर कितनी धारा प्रवाहित होगी, कैसे निकालोगे, आई प्रवाहित हो रही है इसके अंदर नहीं प्रवाहित हो रही है, कौन सी प्रवाहित हो रही है, देखो यहाँ पर आई है, तो यहाँ पर कुछ आई दो तार होगी भाई, ए पॉइंट पर दो तार है, यहाँ से आई रही, इसका मतलब यहाँ पर आई वन जाएगी, यहाँ पर आई टू जाएगी, नहीं जाएगी क्या, तो हमारे ज्ञात क्या करनी है, आई टू ज्ञात करनी है, ठीक है, तो समझ गए ना यहाँ पर भाई, यहाँ पर ए पॉइंट है उससे दो तार निकल रहे हैं, पीछे धारा आपकी आई आ रही है, इस इन दोनों प्रतिरोधों में से या इस पूरे जो तार है उसमें से कितनी धारा जा रही है आपकी आई धारा जा रही है, सॉरी आई वन धारा जा रही है, और इस तार में से कितनी जा रही है आई टू, और हमारे को आई टू तो ज्ञात करनी है भाई, ये तो बोले कि भाई अज्ञात प्रतिरोध में से जो धारा गुजर रही है उसको ज्ञात करो, तो ज्ञात प्रतिरोध में से धारा गुजरी तो उसको हम कैसे ज्ञात करेंगे, कैसे ज्ञात करेंगे बताओ आप, तो उसको ज्ञात करने के लिए हमारे पास में सीधा फॉर्मूला है, यहाँ पर क्या फॉर्मूला है कि वोल्टेज तो यहाँ पर समान रहेगा, क्योंकि ये क्या है, ये कैसा कैसा है आपका, ये है आपका समांतर क्रम संयोजन, तो समांतर क्रम संयोजन में वोल्टेज समान रहता है, तो यहाँ पर वोल्टेज समान रहेगा, इसमें हमारे ज्ञात क्या करनी है धारा, तो धारा कैसे ज्ञात होती है, ओम का नियम लगाओ, V बराबर क्या होता है IR, ठीक है, अगर आपको धारा निकालनी है तो उस तार का वोल्टेज और उसका प्रतिरोध पर भाग दे दो, क्या मिल जाएगा आपको, उस तार का है वो तार की वो धारा मिल जाएगी, अगर आपको किसी तार का वोल्टेज चाहिए तो उस तार में प्रवाहित धारा और उसके प्रतिरोध को गुणा कर दो, और अगर आपको किसी तार में धारा चाहिए तो उसका जो विभव है और जो उसका प्रतिरोध है उसको भाग दे दो, आपको धारा मिल जाएगी, अगर आपको किसी तार का प्रतिरोध चाहिए तो आप उसका वोल्टेज और उसमें जो प्रवाहित हो रही है धारा उसका भाग दे दो, आपको क्या मिल जाएगा, प्रतिरोध मिल जाएगा, ओम का नियम का हमारे क्या करना प्रयोग करना है, और ओम का नियम का प्रयोग करेंगे तो यहाँ पर देखो क्या हमारे धारा ज्ञात करनी है, इसका जो वोल्टेज है वोल्टेज कितना है 6 वोल्ट है, क्यों ये 6 वोल्ट क्यों है, क्योंकि ये समांतर क्रम संयोजन है और समांतर क्रम संयोजन में वोल्टेज समान रहता है, तो इस पूरे तार का वोल्टेज कितना रहेगा V रहेगा, V मतलब कितना 6 वोल्ट रहेगा, तो हमारे को अगर धारा ज्ञात करनी है तो हम लिखेंगे ओम के नियम से, ओम के नियम से, ओम के नियम से क्या V बराबर होता है IR, हमारे को चाहिए क्या I चाहिए, तो I बराबर क्या होगा V बटा R, I I मतलब हमारे को I2 चाहिए, ठीक है I2, तो I2 कितना आएगा आपका, I2 बराबर V, V कितना आपका 6, तो ये लिख दिया 6 बटा R, R कितना है R 2 ओम लिखूं मैं क्या, नहीं लिखूंगा 2 ओम, क्योंकि यहाँ पर जो धारा है वो 2 ओम और 3 ओम इनकी वजह से प्रवाहित हो रही है, और ये 2 ओम और 3 ओम किसमें है, ये आपके श्रेणी क्रम में, अगर सेतु संतुलित अवस्था में है तो, नहीं तो ये बीच में तार आ जाएगा, तो आप ऐसे नहीं बोल सकते ये और ये श्रेणी क्रम में, ठीक है, जब तक ये सेतु संतुलित अवस्था में होगा तब तक इस तार का कोई मतलब ही नहीं रहेगा, और इस तार का मतलब ही नहीं रहेगा तब तक ये 2 ओम और 3 ओम किसमें श्रेणी क्रम में, श्रेणी क्रम में सीधे जोड़ सकते हैं, तो कहने का मतलब यहाँ पर प्रतिरोध कितना होगा, प्रतिरोध होगा आपका 2 और 3 कितना हो गया 5, तो 6/5 वो क्या होगी ये हो जाएगा, ये ध्यान में रखना, ऐसे नहीं कि आप दो कर दो, आपको बोल दिया कि अज्ञात प्रतिरोध में से कितनी धारा प्रवाहित हो रही है, भाई यहाँ पर धारा I2 आ रही है, क्यों आ रही है, क्योंकि यहाँ पर दो बाधाएं और इन दो बाधाओं को पार करने के लिए यहाँ पर धारा I2 आ रही है, ठीक है, तो ये आपको समझना जरूरी है यहाँ पर, तो I2 कितनी आ गई 6/5 है वो आपकी एम्पियर आ जाएगी, 6/5 एम्पियर आ जाएगी, तो इस प्रकार से आपको इस क्वेश्चन को वो करना है, बिल्कुल ही आसान है, समझ में आपको अच्छे से वो आ गया होगा। चलो अभी हम करते हैं हमारा अगला जो अंकित प्रश्न है वो तीसरा अंकित प्रश्न करते हैं, देखो तीसरा अंकित प्रश्न क्या है, तीसरा अंकित प्रश्न है कि व्हीटस्टोन सेतु की चारों भुजाओं के प्रतिरोध निम्नवत चित्र अनुसार है, मतलब हमारे को दे रखा है चारों भुजाओं के प्रतिरोध, मतलब डायग्राम हमारे को दे रखा है, ठीक है, ए बी बराबर 100 ओम, तो पहले मैं यहाँ पर डायग्राम है वो बना लेता हूँ, देखो फटाफट से बना लेते हैं, ये यहाँ पर एक प्रतिरोध लगा है, यहाँ पर एक प्रतिरोध लगा है, व्हीटस्टोन सेतु आपको तो बनाने आते हैं, और फिर यहाँ पर एक प्रतिरोध, फिर यहाँ पर एक प्रतिरोध लगा दिया, ये आपके दो भाग हो गए यहाँ पर, और दो तार हो गए यहाँ पर, ये और ये, और ये बैटरी से जुड़ा आपका 10 वोल्ट की बैटरी से, ये आपको सारा क्वेश्चन के अंदर दे रखा होगा, ठीक है, 10 वोल्ट की बैटरी से जुड़ा है, और इसको नाम देते हैं, ये इसको ए दे रखा है, इसको बी दे रखा है, इसको सी और डी,
और यहाँ पर भी एक गैल्वेनोमीटर जुड़ा है और उस गैल्वेनोमीटर का प्रतिरोध रेखा 15 ओम, ठीक है, और इसका प्रतिरोध रेखा आपको 60 ओम, इसका प्रतिरोध रेखा है 5 ओम, इसका प्रतिरोध रेखा है 10 ओम, इसका प्रतिरोध रेखा है 100 ओम, ठीक है। और ये बैटरी दे दी यहाँ पर कुंजी देखिए, उसको तो हम चालू करेंगे क्योंकि अगर हमारे को ज्ञात करना है तो, और यहाँ से धारा प्रवाहित हो रही है आई, ठीक है। तो ये सारे प्रतिरोध रेखा 15 ओम के एक गैल्वेनोमीटर को बीडी के मध्य जोड़ा जाता है। गैल्वेनोमीटर में प्रवाहित होने वाली धारा परिकलित कीजिए, ए व सी के मध्य विभवांतर है वो 10 वोल्ट विभवांतर है। तो हमारे को ज्ञात क्या करनी है, हमारे को ज्ञात करनी है जो गैल्वेनोमीटर में प्रवाहित होने धारा, ठीक है। तो गैल्वेनोमीटर में कौन सी धारा प्रवाहित हो रही है, उसके लिए पहले हमारे को इस आई धारा का वो डिवाइडेशन करना पड़ेगा। कैसे करेंगे, यहाँ से आई धारा आ रही है, यहाँ से आई धारा आ रही है, अब यहाँ पर ऊपर कौन सी दे रही है, आई वन जा रही होगी, हाँ आई वन जा रही है, ठीक है। तो ऊपर धारा है वो आपको यहाँ पर इस साइड में आपको धारा भेज दी आई वन, कौन सी धारा भेज दी यहाँ पर, आई वन धारा भेज दी, ठीक है, आई वन धारा भेज रखी है। अब डायग्राम के अंदर आपको दे रखा है जो, उसी प्रकार से आप धारा यहाँ पर लिख सकते हो, और यहाँ पर भेज दी आई टू, ठीक है, यहाँ पर धारा आई वन जाएगी, यहाँ पर धारा आपकी फिर से दो तार होगी, तो फिर यहाँ पर मान लेते हैं इसमें धारा चलेगी आई जी, तो यहाँ पर कितनी हो जाएगी, आई वन माइनस का आई जी, समझ गए भाई। धारा आई वन यहाँ पर आई थी, ए पॉइंट पर दो तार थे, दो मतलब धारा में बंट गई, आई वन आई टू में बंट गई, और फिर यहाँ पर है वो फिर दो तार थे तो आई वन माइनस आई जी, और नीचे आई जी में आ गई, यहाँ से धारा आपकी आई जी आ रही है, यहाँ से धारा आई टू आ रही है, तो यहाँ पर कितनी धारा बहेगी आपकी आई टू प्लस का आई जी, और फिर यहाँ पर ये मिलकर कितनी बना लेगी, आई बना लेगी, ये तो हम पहले भी कर चुके हैं, ठीक है। अब आपको ज्ञात क्या करना है, आई जी ज्ञात करना है, क्या ज्ञात करना है आपको, आई जी ज्ञात करना है, ये इसी प्रकार से धारा देखिए ना, हाँ इसी प्रकार से आपको वो धारा के मान है वो दे रखे हैं। तो ये हमने चेक कर लिया यहाँ पर वापस से ये हमारा, अब हम ज्ञात करते हैं यहाँ पर धारा जो आई जी। अब आई जी ज्ञात करने के लिए हमारे को यहाँ पर किरचॉफ का नियम लगाना पड़ेगा, क्योंकि ये जटिल परिपथ है, ओम के नियम से इसको ज्ञात नहीं कर सकते हैं। तो कैसे ज्ञात करेंगे, पहले ए पॉइंट पर देखो, किरचॉफ के प्रथम नियम से, केसीएल नियम से क्या होगा, ए पॉइंट पर धारा आपकी आई वन है, सॉरी आई है, आई है किसमें जा रही है आपकी, आई वन और आई टू में जा रही है। तो किरचॉफ का जो प्रथम नियम है वो लगो, आने वाली धारा वो क्या रहेगी आपकी प्लस, जाने वाली धारा माइनस, तो माइनस का आई वन माइनस का आई टू किसके बराबर होगा, जीरो के बराबर, मतलब आई है वो किसके बराबर होगी, आई वन प्लस का आई टू के बराबर होगी, या तो कॉमन सेंस से भी ले सकते हो, आई किसमें बनती है, आई वन और आई टू में बनती है। अब यहाँ पर हम अलग अलग रूप लेते हैं कौन कौन से, क्योंकि हमारे को धारा है वो कौन सी याद करनी पड़ेगी, अगर आई जी याद करनी है तो हमारे को आई वन आई टू है ये वगैरह याद करनी पड़ेगी। तो यहाँ पर आप ले लो, यहाँ पर आप क्या करो, यहाँ पर आप जो लूप है वो कौन सा लो, ए बी डी ए लूप, ए बी डी ए में लूप बंद करना है, ए बी डी ए में किरचॉफ के द्वितीय नियम से, तो में केवीएल नियम से क्या होगा, यहाँ पर लगो आप क्या करो, धारा इस चल रही है, मतलब यहाँ पर उच्च विभव होगा, यहाँ पर निम्न विभव होगा, ये तो समझते हो ना, यहाँ पर उच्च यहाँ पर निम्न, क्यों निम्न, क्योंकि यहाँ पर धारा चल रही है, तो यहाँ पर धारा का कुछ मान कम हो जाएगा, प्रतिरोध है, तो इसका यहाँ पर वोल्टेज कम मिलेगा, तो उससे निम्न की तरफ जाते हो, उससे निम्न की तरफ जा रहे हो, उससे निम्न की तरफ जा रहे हो, उच्च है उससे निम्न की तरफ जा रहे हो, मतलब माइनस आएगा, मान क्या लिखोगे माइनस का, भाई यहाँ पर वोल्टेज होता है ना भाई, किरचॉफ का द्वितीय नियम क्या कहता है, वोल्टताओं का जो बीजगणित वो शून्य होना चाहिए, तो यहाँ का वोल्टेज कितना होगा, इसमें प्रवाहित होने वाली धारा आई, मैंने अभी बताया वी बराबर क्या करो आई आर करो, किसी का वोल्टेज चाहिए तो उसमें प्रवाहित धारा आई और उसका प्रतिरोध उसको गुणा कर दो, वोल्टेज मिल जाएगी, तो इसमें कितनी धारा प्रवाहित हो रही है, आई वन प्रवाहित हो रही है, और कितना आपका जो है प्रतिरोध वो है आपका 100, तो यहाँ पर लिख दोगे 100 I1। फिर यहाँ पर आप देखो फिर से आप उच्च से निम्न की तरफ जा रहे हो, तो फिर से आप क्या लिखोगे माइनस का 15 IZ, ठीक है। देखो अलग अलग जैसे आप जो आपकी जो पासबुक होगी उसमें चेक करोगे तो आपको अलग दिखेगा, लेकिन जैसे हम करें ना उसी प्रकार से आपको है वो करना है, ठीक है, ये ध्यान में रखना है। तो 100 I1 माइनस का 15 IZ, फिर यहाँ पर आओ, तो यहाँ पर आप धारा के किससे चल रहे हो, लूप में आप इस प्रकार से चल रहे हो ना, तो यहाँ पर आप धारा के मतलब ऐसे चल रहे हो, तो यहाँ पर उच्च विभव था, यहाँ पर निम्न विभव, मतलब इस बार आप कैसे चल रहे हो, निम्न विभव से उच्च विभव की तरफ, निम्न से उच्च की तरफ, मतलब प्लस आएगा, तो यहाँ पर क्या लिखोगे प्लस का 60 I2, और वो किसके बराबर जाएगा 0, क्योंकि इतनी है भाई, तीन तो विभव है यहाँ पर, तो ये समीकरण आ गया हमारे पास में ये। अब इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं, क्या कर लेते हैं, किसका भाग देते हैं, चलो इसको बाद में करेंगे सॉल्व, हम बाहर सॉल्व तो आप कर ही लोगे, ठीक है, क्योंकि सारे डेरिवेशन हम यहाँ पर नहीं कर सकते। अब देखो यहाँ पर क्या हो गया,
अब अगला रूप लेते हैं कौन सा, बी सी डी बी में कौन सा दिख रहा है, बी सी डी बी में, बी सी डी बी में। ठीक है, एक बात ध्यान रखना है आपको, ये लूप नहीं लेना है ए बी सी डी ए, ये लूप नहीं लेना, क्योंकि अगर ये लूप लोगे तो फिर ये बीच में एक तार आ गया ना, ये लूप आप कैसे ले सकते हो, नहीं ले सकते ना, तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है। अगर ये लूप लोगे तो इसको कैसे लिखोगे, तो ऐसे भी कॉमन सेंस की बात है जो ध्यान में रखनी। तो बी सी डी बी में केवीएल से, तो केवीएल से क्या होगा, केवीएल से यहाँ पर लगो, केवीएल का नियम लगो, किरचॉफ का द्वितीय नियम लगो, तो यहाँ पर आप चल कैसे रहे हो, इस प्रकार चल रहे हो। ठीक है, तो बी से सी, तो यहाँ पर आप क्या देख रहे हो, यहाँ पर धारा इस प्रकार से, मतलब यहाँ पर कुछ भी होगा, यहाँ पर निम्न भी होगा, क्यों होगा, क्योंकि यहाँ पर धारा आ रही है, यहाँ पर धारा कुछ कम होगी, तो यहाँ पर विभव भी कुछ कम हो जाएगा, तो इसका मतलब आप चल रहे हो उच्च से निम्न की तरफ। एक बार और एक क्वेश्चन के अंदर ये गलत दरेगा शायद मेरे हिसाब से, इसका इस प्रकार कर रखा है, तो आपको उसको सही कर देना है। तो आप इस प्रकार यहाँ से उच्च से निम्न की तरफ है वो क्या कर रहे हो, जा रहे हो, इसका मतलब माइनस का टेन क्या होगा, आई वन माइनस का आई जी आ गया हो यहाँ पर देखो सी और डी के मध्य, यहाँ पर देखो फिर क्या कर रहे हो आप, यहाँ पर आपका धारा इस प्रकार चल रही है, तो मतलब यहाँ पर क्या आएगा आपका, यहाँ पर आएगा आपका उच्च विभव, यहाँ पर निम्न विभव, मतलब निम्न से उच्च की तरफ जा रहे हो, तो इसका मतलब आपके पास में प्लस आएगा, प्लस का फाइव आई टू प्लस का आई जी। फिर यहाँ पर आओ, यहाँ पर भी आपकी धारा इस प्रकार से, मतलब यहाँ पर उच्च विभव, यहाँ पर निम्न विभव, मतलब आप निम्न से उच्च की तरफ जा रहे हो, क्योंकि तो आप तो ऐसे चल रहे हो ना, तो यहाँ पर निम्न से उच्च की तरफ जा रहे हो, तो निम्न से उच्च की तरफ जा रहे हो, मतलब प्लस का क्या लगाओगे, प्लस का पंद्रह, और इसमें प्रवाहित धारा जो आई जी बराबर क्या कर दोगे जीरो। ठीक है, तो ये आपके पास में एक और समीकरण आ गई, इसको समीकरण दे दो आप दो, अभी भी हमारे यहाँ पर है वो नहीं निकलेगा। ठीक है, इन दो समीकरणों की सहायता से यहाँ पर इसको भी दे देते हैं, इसको वन देते हैं, इसको टू देते हैं, इसको थ्री देते हैं। ठीक है, इन दो समीकरणों से हमारा है वो यहाँ पर मतलब हमारे को ज्ञात नहीं होगा आई जी। ठीक है, फिर हमारे को एक और समीकरण की आवश्यकता रहेगी, वो कैसे निकालेंगे, एक और आपको बंद लूप है वो ढूंढना पड़ेगा, कौन सा बंद लूप ढूंढोगे आप, तो ये देखो। ठीक है, आपका एक बंद लूप रहेगा कौन सा, ए सी सॉरी ए डी सी, यहाँ पर कुछ और दे दो नाम, इसको ई दे दो। ठीक है, ए बी सी डी, हाँ तो ए डी सी ई ए, यहाँ पर भी आप है वो ये जो किरचॉफ का द्वितीय नियम लगा सकते हो। ठीक है, कौन सा लोग लोगे, कौन सा लोग लोगे, ए डी सी ई ए में, ए डी ये नीचे वाला बंद लूप बन रहा है ना, आपको लगता थोड़ी है, एक पूरा ही तो लूप है यहाँ पर, तो इस ये पूरा ले सकते हो, तो ए डी सी ई ए ये लूप हो गया। इस लूप में केवीएल से, केवीएल नियम से क्या होगा, केवीएल नियम से लगो, आप चल कैसे रहो, आप इससे चल रहे हो, ए इससे चल रहे हो, तो इससे बना लो यहाँ पर, ये आप इससे चल रहे हो, ए से डी की तरफ, यहाँ पर धारा आपकी चल रही है, वहां पर से देखो यहाँ पर कुछ विभव से निम्न विभव की तरफ जा रहे हो, मतलब माइनस का सिक्सटी आई टू उच्च से निम्न की तरफ माइनस आएगा। फिर यहाँ पर देखो, फिर से आप क्या कर रहे हो, यहाँ पर उच्च से निम्न की तरफ जा रहे हो, तो माइनस का फाइव आई टू प्लस का आई जी, यहाँ पर आओ कोई नहीं है, यहाँ पर आओ, तो यहाँ पर आप माइनस से प्लस है, तो आप चले बेस रहे हो और माइनस से प्लस, मतलब निम्न विभव से कुछ विभव की तरफ जा रहे हो, मतलब क्या आएगा प्लस का, तो प्लस का टेन, और यहाँ पर कुछ नहीं बराबर क्या कर दो जीरो, आ गया आपके समीकरण चार। ठीक है, अब ये समीकरण चार आ गई, तो इन एक दो तीन और चार का प्रयोग करके वो आप क्या कर सकते हो, यहाँ पर जो आई जी है उसको ज्ञात कर सकते हो। अब आपको ये तो करना ही पड़ेगा यहाँ पर, क्योंकि आप टेंथ क्लास के अंदर, ठीक है, इलेवंथ क्लास के अंदर ऐसे समीकरण है तो आप सोल्व ही कर सकते हो आसानी से। ठीक है, कैसे करोगे, पहले तो इसको यहाँ पर आप क्या कर दो, यहाँ पर थोड़ा छोटा कर लो इसके मान, छोटा करने के बाद में आप किसी एक को किसी से गुणा करो, फिर इसको जोड़ दो, जोड़ोगे तो आपके पास मान आते जाएंगे। ठीक है, अपने आप मान आते जाएंगे आपके पास में, जो चार समीकरण है उससे आप आई जी आसानी से निकाल लोगे। फिर भी आपका डाउट रहता है तो आप बता देना, फिर मैं अगला जो हमारा वीडियो आएगा उसमें वापस करवा दूंगा।